हेलो एवरीवन आई एम वेल ग्लैड टू नो दैट कि मेरी वीडियोज से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है एंड मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स की रिक्वेस्ट भी आ रही हैं सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आज का टॉपिक उन्हीं रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में से एक है जो कि एम एस सी केमिस्ट्री के लिए है एंड नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड uh, आज के टॉपिक का नाम आपको पता लग ही गया होगा हाइड्रोफोर्माइलेशन ऑफ एल्किन्स ठीक है हाइड्रोफोमाइलेशन ऑफ एल्किन्स चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफोमाइलेशन ऑफ एल्किन्स को हम ऑक्सो प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं तो आपसे ऑक्सो प्रोसेस के नाम से भी ये पूछा जा सकता है ठीक है तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी जैसे आपने स्टडी कर रखी है हाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सेल्फोनेशन हाइड्रेशन है ना एल्कोलेशन इस तरह के टर्म्स हमने स्टडी कर रखी हैं तो इनका क्या मीनिंग होता है मीन्स वो जो उसके नाम के स्टार्टिंग में होता है उसको हम ऐड कर रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में जैसे हेलोजिनेशन होता है हेलोजिनेशन क्या होता है एडिशन ऑफ हेलोजें है ना एक्स क्या हो सकता है यहाँ पर फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एनी हेलोजिन हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रेशन की अगर बात करें एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ठीक है ऐसे ही ये भी क्या है हाइड्रोफोर्माइलेशन मतलब किस किन्हीं ग्रुप्स का एडिशन हो रहा है बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है यहाँ पर ये टू वर्ड से मिलके बना हुआ है इसका नाम कौन कौन से से हाइड्रो हाइड्रोमींस हाइड्रोजन ठीक है और इसके आगे क्या है फोरमाइल हाइड्रो फोरमाइल मीन्स फोरमाइल ग्रुप ठीक है अब हाइड्रोजन तो एच हो गया फोरमाइल ग्रुप क्या होता है आई होप आपको पता होगा फोरमाइल ग्रुप क्या होता है फोरमाइल ग्रुप होता है सी एच ओ मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप ही एल्डिहाइड ग्रुप को ही हम फोरमाइल ग्रुप बोलते हैं फोरमाइल ग्रुप कहाँ से आया है वर्ड फॉर्मेल से एच सी एच ओ फॉर्मेल का ये फॉर्मूला होता है फॉर्मेल ठीक है अब आपने जैसे बेसिक एल्केन्स पढ़ी हुई है बहुत सारे हम ग्रुप्स पढ़ते हैं जैसे देखो मिथेन है मिथेन में से अगर हम एक एच निकाल देते हैं हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है सी एच थ्री ग्रुप इसको हम क्या बोलते हैं मिथाइल ग्रुप सपोज इथेन है इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया सी टू एच फाइव ग्रुप इसको हम क्या बोलते हैं इथाइल ग्रुप ऐसे ही एसीटाइल ग्रुप या बहुत सारे ग्रुप्स के नाम हैं हम जो ऐसे बनाते हैं तो फॉर्मेलडी हाइड से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन गया हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप ठीक है मीन्स एल ग्रुप तो हाइड्रोफॉर्मलेशन ऑफ एल्किस एक्चुअल में क्या है एडिशन ऑफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्माइल ग्रुप टू द एलकी ठीक है अब देखो इसको अलग अलग बोलने के बजाय हम इसको कंबाइन भी क्या है हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड ग्रुप और इसको मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड तो एक्चुअल में हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ फॉरमेलडी एडिशन ऑफ फॉर्मेलडी टू एल्किन्स इज़ नोन एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्किस और ऑग्जो प्रोसेस एक्चुअल में इस प्रोसेस का नाम ये फॉर्मेलिटी हाइड के एडिशन की वजह से ही है इसी के नाम से इसका ये नाम बना है ठीक है तो आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से भी बट ये एक समझने का तरीका है डिफ़ाइन नहीं करेंगे हम इसको इसमें एंड हाइड्रोफॉर्माइलेशन जो है इसको हम डिफाइन भी करेंगे कैसे डिफाइन कर सकते हैं द रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन विद कार्बोनिल एंड हाइड्रोजन कैटेलाइज बाय अब देखो आगे पढ़ने से पहले हम ये इसी पे फोकस करेंगे मैंने अभी बताया एडिशन ऑफ मेलडीहाइड टू एल्कीस बट डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है एल्कीन में हम कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं ठीक है उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं एडिशन भी कह सकते हैं लेकिन रिएक्शन की बात करें हम एडिशन तो फॉर्मेल्डिहाइड का ही होगा कैसे होगा देखो कौन कौन से एटम्स एड रिएक्शन करा रहे हैं हम किस किस की दो हाइड्रोजन एटम है एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है एच सी एच ओ दो हाइड्रोजन है है ना एक कार्बन एक ऑक्सीजन तो एक्चुअल में एडिशन तो हम करा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड का बट किस फॉर्म में एडिशन करा रहे हैं किस फॉर्म में हम रिएक्शन में किस फॉर्म में ले रहे हैं उन एटम्स को कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन की फॉर्म में ठीक है तो एल्कीन में फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर रहे हैं किस फॉर्म में कार्बोनिल एंड हाइड्रोजन में कैटलाइज बाय कोबाल्ट और रोडियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस मीन्स कैटाइज क्या होंगे कोबाल्ट या रोडियम के कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेज होंगे टू फॉर्म एल अब हाइड ऐड कर रहे हैं हम एडिशन हो रहा है फॉर्मेलिटी का तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा एल्डिहाइड ठीक है अब डेफिनेशन यहीं पे खत्म नहीं हुई है आगे भी है कंटेनिंग वन कार्बन एटम मोर देन ओरिजिनल एल्कीन इज नोन एज हाइड्रोफोर्माइलेशन अब यहाँ से एक क्वेश्चन नेट में भी पूछा जा सकता है कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसे बट एक क्वेश्चन ये भी बनता है एल्कीन से हमने बनाया एल्डिहाइड ठीक है अब ये क्या सेम कार्बन एटम्स का बनेगा या कार्बन एटम्स इसमें लेस होंगे जो हमारी ओरिजिनल एल्कीन है उससे या फिर ज़्यादा होंगे जो हमने डेफिनेशन में, में मेंशन किया है कि इसमें एक कार्बन एटम एल्किन से ज़्यादा होता है ठीक है मीन्स अगर आप एल्कीन ले रहे हो थ्री कार्बन एटम वाली तो एल्डिहाइड बनेगा फोर कार्बन एटम वाला ठीक है ये आगे हम इसका मैकेजम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा अगर जनरल वे में बात करें तो अगर आप एल्किन ले रहे हैं एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली तो हमारे पास एन प्लस वन कार्बन एटम्स वाला ठीक है हाइड्रोफोर्माइलेशन क्या है आपको क्लियर हो गया एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको रिएक्शन ऑफ एन एल्किन विद कार्बोनिल एन हाइड्रोजन कैटेलाइज बाय कोबाल्ट और रोडियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस टू फॉर्म एलडीहाइड कैसा एल डी हाइड कंटेनिंग वन कार्बन एटम मोर देन दरिजिनल एल्किन ठीक है एंड हाइड्रोफोर्माइलेशन जो है वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनेशन कैटालिसिस की तो हाइड्रोजिनेशन कैटालिसिस आपसे पूछा जाता है आप उसमें भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अब इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस रिएक्शन कैन बी शोन एज ये हमारे पास क्या है एल्कीन कार्बोनिल हाइड्रोजन यहाँ पर हम लेंगे कैटालिस्ट तो इनकी रिएक्शन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमें क्या मिल गया एल्डिहाइड अब एक एल्डिहाइड ना मिलके हमें मिला है मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड्स एक तो हमें मिला है स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड ठीक है और एक हमें मिला है ब्रांच्ड चेन एल्डिहाइड ठीक है एन आइसोमर एन आइसो आइसोमर ठीक है फर्दर इनके रिडक्शन करके हम इनसे एल्कोहल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनको हम एज ए सोलवेंट प्लास्टिसाइजर भी यूज़ कर सकते हैं एंड डिटर्जेंट्स के सिंथेसिस में भी हम उन एल्कोहल्स को यूज कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं कैटलिस्ट कैटलिस्ट कौन कौन से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं एक कैटलिस्ट है कोबाल्ट का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं हम पहले जिसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं एंड इसके साथ ही ये कोबाल्ट कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स हो गया हाइड्रोजन के साथ अगर इसमें से एक कार्बोनिल ग्रुप को हम एक्सचेंज कर देते हैं फोस्फिन ग्रुप के साथ ठीक है, फोसफिन ग्रुप के साथ थ्री कार्बोनिल सेम रहेंगे ग्रुप क्या होता है आपको पता होगा ये हम लेते हैं यहां पर ठीक है ये ग्रुप अब यहां पर जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये हमारा एन ब्यूटाइल है ठीक है और अगर हम फोसफिन ग्रुप एक्सेस में इसमें एक्सचेंज कर देते हैं ठीक है हाईली सब्जीट्यूटेड बाय फोस्फिन ग्रुप अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं एच सी ओ एंड वन कार्बोनिल ग्रुप एंड थ्री फोस्फिन ग्रुप और फोस्फिन ग्रुप में हमने ले लिया ट्राइफिनाइल ठीक है या फिर हम ये भी ले सकते हैं सॉरी ये कोबाल्ट का नहीं ये हम लेते हैं रोडियम का मीनस रोडियम का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स विद हाईली सब्सटिट्यूटेड फोस्फिन ठीक है इसमें हम फिनाइल की जगह कोई अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं H, रोडियम कार्बोनिल ग्रुप एंड पी आर थ्री सिंपली ऐसे लिख देते हैं हम इसको चाइस ठीक है ये कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करने में क्या क्या डिफ्रेंसेस आ रहे हैं कौन सा इनमें बेटर है ये हम आगे देखेंगे अभी अब एक्चुअल में इनमें से ये कैटलिस्ट जो है हमें इस फॉम में नहीं मिलता है रेडिली अवेलेबल नहीं होता है ये हमें इन द रिएक्शन जो है अंडर रिएक्शन कंडीशन फॉर्म होता है ठीक है किससे फॉर्म होता है ये फॉम होता है कोबाल्ट ट्वाइस सी ओ एट इससे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन से हमें ये कैटलिस्ट मिलता है तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रीकर्सर कैटलिस्ट बोलते हैं ठीक है एंड ये कैटलिस्ट है एक्चुअल में एक्टिव कैटलिस्ट भी ये नहीं है इससे हमें फर्दर जो मिलेगा एच सी ओ सी ओ थ्री ये इस रिएक्शन में एक्टिव कैटलिस्ट होता है कई बार पूछ लिया जाता है ठीक है कि एक्टिव कैटलिस्ट जो है इसमें कौन सा होता है एंड ये क्या होता है इसमें प्रीकर्सर कैटलिस्ट चलिए अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं मैकेनिज्म को हम सेवन सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या होगा जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास कैटलिस्ट है हमें पहले अंडर रिएक्शन कंडीशंस फॉर्म करना पड़ता है बनाना पड़ता है तो इसमें सबसे पहले हमारा स्टेप होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सी ओ टू सी ओ एट एंड हाइड्रोजन ठीक है इसको आप ओक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट भी बोल सकते हैं तो इनके एडिशन से हमें क्या मिलेगा कैटलिस्ट जो कि फर्दर फिर हमें इससे हमारा एक्टिव कैटलिस्ट मिलेगा एक्टिव कैटलिस्ट यहाँ से एक कार्बोनिल ग्रुप निकल जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पर इससे टू मोलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं ठीक है यहाँ पर अगर हम टू कार्बोनल्स रिमूव करेंगे टू मोलिक्यूल्स यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट स्टेप होगा अब हमारे पास एक्टिव कैटलिस्ट हमें मिल गया है अगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नेट में जैसे ये यहाँ पर हमारे पास जो स्पीशी बनी है ये क्या है एटीन इलेक्ट्रॉन स्पीशी ठीक है एंड ये क्या है यहाँ पर एक कार्बोनिल रिमूव हो गया है पर मोलिक्यूल अगर हम बात करें तो ये है सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन स्पीशी ठीक है इसको याद करने का भी तरीका बताऊंगी एक मैं आगे वीडियो में एडिशन ऑफ स्टेप होगा एडिशन ऑफ एल्कीन हमारे पास एक्टिव कैटलिस्ट आ गया है अब एल्कीन में एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे हम इसके साथ ठीक है तो इस रिएक्शन के इसमें इस क्या हुआ एडिशन तो डायरेक्ट इसमें एडिशन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कोबाल्ट का कोआर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना था क्वाडिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट फोर प्लस वन फाइव ठीक है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज फोर एंड यहाँ पर ये हम एक्टिव कैटलिस्ट ले रहे हैं सी एन लिख देते कोऑर्डिनेशन नंबर फोर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव था मीन्स यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है आयन है कोबाल्ट इसके पास एक वेकेंट साइट है जहाँ पर हम कुछ एडिशन कर सकते हैं ठीक है तो एडिशन ऑफ एल्कीन सेकेंड स्टेप में क्या हुआ हमने इसमें एल्कीन ऐड कर दी डायरेक्ट ऐड हो जाएगी ये डबल बोन के साथ अटैच हो जाएगी कुबाल्ट के साथ ठीक है ये आगे हम आ, और देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या किया हमने क्या होगा माइग्रेटरी इंजेक्शन ऑफ ओलिफिन ओलिफिनस क्या होते हैं एल्किन्स को ही हम ओलिफिनस बोलते हैं ठीक है ठीके? ये आपको पता होगा इनटू कुबाल्ट हाइड्रोजन बोंड कोबाल्ट का हाइड्रोजन के साथ जो बोंड है इस बोंड में इंजेक्शन हो जाएगा किसका एल्कीन का ठीक है माइग्रेटरी इंजेक्शन माइग्रेटरी इंजेक्शन क्या होता है ये मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ यहाँ पर लिखूंगी नहीं आप नोट कर सकते हैं माइग्रेटरी इंजेक्शन हम बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ एन अन लेगेंड सच एज कार्बोनिल एल्केन्स बिटवीन टू अदर एटम्स इनिशियली बाउंड टुगेदर इज़ नोन एज माइग्रेटरी इंजर्शन तो यहाँ पर हमारा इनिशियल बाउंड जो है कोबाल्ट हाइड्रोजन इस बोंड के बीच में हमें इन्जर्ट करना है एल्किन को माइग्रेशन हो रहा है इसका और इंजर्शन भी क्योंकि ऐड हो रही है तो हम इसको बोलेंगे माइग्रेटरी इंजर्शन ठीक है हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं क्या हुआ पहले तो ये डबल बोंड के साथ अटैच था कोबाल्ट आयन के साथ सेंट्रल मेटल आयन के साथ फिर क्या है ये इस बॉन्ड में इंसर्ट हो गया है तो मीन्स हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड हो जाएगी यहाँ पर एक सिंगल हाइड्रोजन के बजाय टू हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारी एल्कीन नहीं रही है अब ये अल्काइल ग्रुप बन गया है है ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब फिर से क्या हुआ है यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर फोर था सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे हमने इसमें एल्कीन ऐड कर दी तो ये फिर से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो है यहाँ पर फिर से फाइव हो गया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव से जब माइग्रेटिंग इंजर्शन हो गया है तो यहाँ पर फिर से यहाँ पे तीन कार्बोनिल प्रेजेंट है और एक एल्काइल ग्रुप है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे यहाँ पर फोर हो गया है अगेन मीन्स यहाँ पर एक वेकेंट साइड फिर से जनरेट हो गई है जहाँ पर हम एडिशन कर सकते हैं और ये फिर 18 से 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया है तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम ऐड करेंगे एडिशन ऑफ कार्बोनिल लेकिन ठीक है तो सिंपल सा जहाँ वैकेंट साइट है वहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से फिर से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी फोर से फाइव चेंज हो जाएगा नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं किया है यहाँ पर सिर्फ एक कार्बोनिल ऐड किया है ठीक है अब फिफ्थ स्टेप में फिर क्या होगा माइग्रेटरी इंजेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ठीक है अब पहले माइग्रेटरी इंजेक्शन किसका हुआ था एल्किन का हुआ था कोबाल्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के बिटवीन दीज एटम्स अब हो रहा है कार्बोनिल का तो ये कहाँ होगा ये होगा कोबाल्ट एंड कार्बन एटम के बीच में देखो माइग्रेटरी इंजेक्शन सेम जैसे मैंने अभी भी बताया था उसमें एग्जाम्पल मैंने कोबाल्ट की भी ली थी तो ये हमारे पास जो ये टीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव वाला जिसमें कुबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव है ये कॉम्प्लेक्स है फोर कार्बोनिल ग्रुप है एंड वन अल्काइल ग्रुप है तो इसमें से एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा ठीक है अगर हम इसको इस तरह से दिखा दें एक कार्बोनिल यहाँ पर थिल कर देते हैं तो ये इस बॉन्ड के बीच में इंजर्ट हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं यहां पर ये क्या था एल्काइल ग्रुप था एल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स था और यहां पर ये क्या बन गया असाइल ग्रुप ठीक है असाइल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं हम इसको ठीक है देन नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे हम हाइड्रोजन का ये अगेन फिर से क्या है एटीन इलेक्ट्रॉन से ये सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया है एंड क्वारडिनेशन नंबर भी यहाँ पर फोर हो गया है तो इसमें हम करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एज इट इज हमें ऐड करनी है एज इट इज मीन्स एच टू की फॉर्म में नहीं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की फॉर्म में ठीक है दोनों एच एडिशन मीन्स सिर्फ एडिशन करना है कोई एक्सचेंज नहीं होगा ऑक्सीडेशन लिख दिया मैंने यहाँ पर सॉरी ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है ये एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं छोटी छोटी जो इनमें आती हैं जैसे माइग्रेट इंजेक्शन था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑक्सीडेटिव इसके नाम से पता लग रहा है ऑक्सीडेटिव मतलब कैसा एडिशन जिसमें मेटल आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या चेंज होता है इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर टू नंबर से इंक्रीज हो जाता है जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर पहले से सेंट्रल मेटल लाइन का टू है तो वो फोर हो जाएगा फोर है तो सिक्स हो जाएगा थ्री है तो फाइव हो जाएगा ठीक है और सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी टू नंबर से इंक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैं बीच में है लिखना नहीं चाह रही थी मैं ऑक्सीडेटिव एडिशन इज द वेन ऑक्सीडेटिव एडिशन अकर्स क्वाडिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम इंक्रीजेस बाय टू ठीक है तो इसमें हमने क्या किया हाइड्रोजन ऐड कर दी है ऑक्सीडेटिव एडिशन होते हुए इसका क्या हो गया है यहाँ पर क्वाडिनेशन नंबर फोर से क्वाडिनेशन नंबर सिक्स हो गया है एंड दिस इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रो एटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे देखो H2 टू देन ब्रैकेट ऐसा नहीं है H देन टू इसको आप अलग से दिखाएं तो इस तरह सॉरी इसके साथ नहीं इसके साथ अटैच करके भी दिखा सकते हैं ठीक है हमने अलग अलग हाइड्रोजन आइटम इसमें ऐड किया है देन लास्ट स्टेप होगा हमें क्या बनाना था एल ठीक है भूले नहीं हमें बनाना है एल तो लास्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा इसमें एल जो हमें इलिमिनेट करना है इसमें से तो लास्ट स्टेप हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन रिडक्टिव इलिमिनेशन यहाँ पर रिडक्टिव वर्ड क्या शो कर रहा है कि रिडक्शन हो रहा है स्टेप में इलिमिनेशन कुछ ना कुछ स्पीशी यहाँ से निकलेगी ठीक है जो कि यहाँ पे क्या निकल रहा है एल निकल रहा है और साथ में रिडक्शन हो रही है सेंट्रल मेटल लाइन की अब ये इस टर्म का बिल्कुल ओपोजिट होता है आप इसको लर्न कर सकते हैं रिमेंबर रख सक कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन में कॉर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन इंक्रीज होता है टू से बट रिडक्टिव एलिमिनेशन में डिक्रीज होता है बाय टू सेम बट डिक्रीज बाय नंबर टू ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रल मेटल लाइन थी या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था कितना था सिक्स तो इससे हमारे पास अब मिल गया जो स्पीशी मिल रही है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर मिल गया क्योंकि टू का डिक्रीज आ गया है और ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी बाय टू अब ये हमने सिंपल स्टेप्स में देखा है बट जनरली हम इसको स्टडी करते हैं साइकिल की फॉर्म में क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड निकल गया है फिर से हमें एक्टिव कैटलिस्ट मिल गया है तो हम इसको यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं तो आप एक बार देख लेते हैं हम साइकिल के फॉर्म में टोटल इसमें कितने थे सेवन स्टेप्स थे बट साइकिल में हम क्या है सिक्स स्टेप्स लेते हैं एक जो है आउट ऑफ साइकिल आता है चलिए देख लेते हैं ये हमारा ऑफ ऑफेल्कि है एरोज लगा देती हूँ मैं एक बार इसमें चलो स्टेप बाय स्टेप देख ही लेंगे फर्स्ट स्टेप जो हमने लिया था हमारे पास क्या है डाई हेक्सा सॉरी ओक्टा कार्बोनिल डाई को है इसमें हमने क्या ऐड किया था फिर हाइड्रोजन ऐड की हमारे पास ये स्पीशी मिल गई ठीक है फिर इसमें से क्या रिमूव किया कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप देन हमें ये मिल गया ये हमारा क्या है एक्टिव कैटलिस्ट ठीक है देन एक्टिव कैटलिस्ट की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ एल्कीन के साथ इसमें हम ऐड कर देते हैं एल्कीन सी एच टू सी एच आर ठीक है ये ऐड की तो ये अटैच हो गई डबल बोन के साथ यही मैंने बताया था आपको देन ये क्या था ये हमने फर्स्ट स्टेप में स्टडी किया था देन ये सेकंड स्टेप में हमने एडिशन किया था फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था माइग्रेटरी इंजर्शन माइग्रेटरी इंजर्शन ऑफ एल्कि बिटवीन कोबाल्ट एंड हाइड्रोजन बोन ठीक है तो इनमें से एक कार्बोनिल ये जो एल्किन है वो इस बोन के बीच में इंजर्ट हो जाएगी इसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी इंजर्शन वन टू माइग्रेटरी इंजर्शन भी बोल सकते हैं इसको ठीक है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था यहाँ पर ये जो है एल्काइल एल्किन के बजाय एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई है इसके बाद हमने इसमें ऐड किया था कार्बोनिल ग्रुप क्योंकि वैकेंट साइट जनरेट हो गई यहाँ पर कार्बोनिल टू पैड हो गया है यहाँ पर थ्री कार्बोनिल ग्रुप थे यहाँ पर फोर हो गए हैं ठीक है और कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं और नेक्स्ट स्टेप में आप लर्न करने की कोशिश करिए नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कार्बोनिल ऐड किया इसमें हमने फिर कार्बोनिल का माइग्रेटरी इंजर्शन था है ना एम आई लिख देती हूँ मैं सिर्फ ये कहाँ कार्बोनिल जो है उसका माइग्रेट इंजेक्शन कहाँ होगा मैंने बताया था कोबाल्ट एंड कार्बन के बोंड के बीच में कार्बन कौन सा कार्बोनिल का नहीं एल्काइल ग्रुप का ठीक है इससे हमें यह क्या मिला था एसाइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स ठीक है फिर हमने इसमें क्या ऐड किया हाइड्रोजन जो कि कैसे ऐड किया था ऑक्सीडेटिवली ऐड किया था है ना ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या बताया था और मैंने इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है मेटल आयन जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है बाय नंबर टू ठीक है इसके बाद हमें मिल गया हमारा एल्डिहाइड ठीक है आर सी एच टू सी एच टू सी एच ओ ये इलिमिनेट हो गया एंड फिर से हमें हमारा एक्टिव कैटलिस्ट मिल गया तो एक बार फिर से हम इसमें से रिवाइज़ कर लेते हैं एटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेज़ कौन से हैं एंड सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेज़ हैं इसमें सिर्फ़ इस साइकिल सिर्फ के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ कि जहाँ पर कोबाल्ट का काडिनेशन नंबर फोर है वो यहाँ पर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हैं एंड कोबाल्ट का जहाँ पर कोआर्डीनेशन नंबर फाइव या सिक्स है वहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ठीक है तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फोर है को, कोबाल्ट का सॉरी तो ये क्या है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स देन यहाँ पर फाइव है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कितना है फोर हो गया है फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे काउंट करते हैं हम सिग्मा बोन्ड्स देखते हैं सेंट्रल मेटल आइन के साथ कितने हैं वन टू थ्री फोर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर मींस सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ये मैं सिर्फ इस साइकिल के लिए बता रही हूँ आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव है देन दिस विल बी एटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर हो गया फिर से ये क्या है सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स देन सिक्स एटीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ठीक है एंड ये हमें मिल गया हमारा एल्डिहाइड ठीक है अब इसमें हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया है एच सी ओ सी ओ लेकिन हमने एक दो कैटलिस्ट और भी देखे थे अगर हम वो यूज करते हैं तो वो यूज करने की वैसे नौबत क्यों आई क्योंकि इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्या, क्या 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 डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं इसकी तो ये साइकिल तो हमने स्टडी किया कौन से कैटलिस्ट से जिसमें हमने कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया हाइड्रोजन के साथ ठीक है अब अदर कैटलिस्ट भी देखेंगे लेकिन उससे पहले ये साइकिल तो हमने ये मैकेनिज्म तो देखा हमने जब कैटलिस्ट लिया एच सी ओ सी ओ थ्राइस मीन्स कोबाल्ट का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया हाइड्रोजन के साथ बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं अगर आपको लग रहा है मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो आप स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हैं वीडियो की और अगर आपको लग रहा है मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप फास्ट करके देख सकते हैं ठीक है चलिए इसकी डिसएडवाटेजेस देख लेते हैं कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की एज ए कैटलिस्ट पहली इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ही ऑपरेट करना पड़ता है ठीक है उसी पे ये काम करता है टेम्परेचर इसके लिए अप्रोक्सीमेट होना चाहिए 140 फोर्टी डिग्री सेल्सियस टू 175 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ये काम करता है 200 से 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में ठीक है दूसरा हमने देखा है स्टार्टिंग में ही कि ये हमें चाहिए एल बट एक चाहिए और ये देता है हमें मिक्सचर ऑफ टू एल स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन ठीक है अब जो स्ट्रेट चेन आइसोमर होता है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होता है मोर बायोडिग्रेडेबल होता है तो जो हमें ये मिक्सचर मिल रहा है उसकी रेशो होती है थ्री इज़ टू वन ठीक है जो कि ज़्यादा अच्छी रेशो नहीं है जब हम कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का फोसफिन सब्सिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट तो हमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं एक तो ये जो रेशो है एन आइसोमर एंड आइसो आइसोमर straight चेन एंड ब्रांच चेन की ये रेशो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है कितनी हो जाती है नाइन इज टू वन ठीक है क्योंकि इस कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में ठीक है बट जनरली जो है इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होता है मतलब कम होता है इससे एंड वन मोर थिंग ये भी क्या करता है हाई टेम्परेचर पे ही ऑपरेट करना पड़ता है बट प्रेशर लो रख सकते हैं हम इसमें इन सभी केटलिस्ट में सबसे बेटर कैटलिस्ट है रोडियम कॉम्प्लेक्स का ठीक है जो कि हाईली सब्सिट्यूटेड है विद फोसिन ग्रुप एंड कार्बोनिल भी है एज ए लीग प्रेजेंट ठीक है हाइड्रोजन भी तो ये कैटलिस्ट सबसे अच्छा क्यों है क्योंकि इसमें एक तो ये रेशो जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाती है सिक्सटीन इज टू वन हमें मिलती है क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी दोनों ही हाई होते हैं मेंस रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होता है और सलेक्टिविटी ज़्यादा कैसे होगी जब हमें रेशो इतना अच्छा मिल रहा है सिक्सटीन इज टू वन मिल रहा है ब्रांच चेन जो है वो लेस अमाउंट में मिल रहा है एंड स्ट्रेट चेन जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो दिस इज़ बेटर एंड वन मोर थिंग इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऑपरेट नहीं करना पड़ता इसको हमें ये लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर पे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं जो टेम्परेचर है इसके लिए हम ये 92 टू वन डिग्री सेल्सियस तक इसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड प्रेशर जो है 50 टू 100 एटमोस्फेरिक प्रेशर और जो हमारा सेकेंड कैटलिस्ट था ये भी इसी प्रेशर रेंज पे ऑपरेट होता है ठीक है अब एक बार ये जो कैटलिस्ट है ये बेटर तो है हमने देख लिया बट इसकी भी साइकिल देख लेते हैं एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बट जहाँ पर हमने ये कैटलिस्ट लिखा था कॉम्प्लेक्स लिखा था वहाँ पर हमें ये कॉम्प्लेक्स लिखना है तो हम उसके साथ कंपेयर करके ही देखेंगे एक बार फिर से रिवाइज़ हो जाएगा देखते हैं दोनों को कंपेयर करके देखो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था पहले ओक्ता कार्बोनिल डाई कोबाल्ट के साथ हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई थी ठीक है बट इसमें हमें ये स्टेप नहीं कराना है हमारे पास डायरेक्ट रोडियम का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव है ठीक है मतलब हमें यहाँ से सेम रिपीट करना है ठीक है दोनों में क्या डिफरेंस है देखो यहाँ पर मेटल आयन था कोबाल्ट यहाँ पर है रोडियम हाइड्रोजन है हाइड्रोजन प्रेजेंट है अब यहाँ पर टेट्राकार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल फोर प्रेजेंट थे बट यहाँ पर हमने क्या किया फोर कार्बोनिल में से थ्री कार्बोनिल लिगेंड को एक्सचेंज कर दिया विद ट्राइफिनाइल फोस्फिन ग्रुप ठीक है और एक कार्बोनिल लिगेंड हमारे पास रहता है अब आप इस चीज़ को ना भूलो कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या रिमूव करना है इसलिए मैं आपको बताती हूँ जैसे हम ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक्सेस में क्या थे कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर क्या है ट्राईफिनाइल फोस्फिन ग्रुप तो यहाँ पर हम रिमूव करेंगे ट्राईफिनाइल फोस्फिन ग्रुप यहाँ पे हमने कार्बोनिल निकाला था ठीक है इसके आगे बिल्कुल सेम चलेगा नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप हो गया सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था एडिशन ऑफ एल्कीन सी एच टू सी एच आर ठीक है तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी विद डबल मोन सी एच टू सी एच आर ठीक है इससे नेक्स्ट स्टेप क्या था माइग्रेटरी इंजर्शन वन टू माइग्रेटरी इंजर्शन माइग्रेटरी इंजर्शन में क्या होगा एल्किन जो है मेटल और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसके बीच में इंजर्ट हो जाएगी ठीक है जो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन फिर इसके साथ अटैच हो गया तो हमारे पास ये क्या बन गया एल्काइल आई होप आपको दिखाई दे रहा है एल्काइल रोडियम कॉम्प्लेक्स ठीक है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था एडिशन ऑफ कार्बोनिल यहाँ पर हमारा था एडिशन ऑफ कार्बोनिल और यहाँ पर भी हमारा स्टेप ये सेम रहेगा एडिशन ऑफ कार्बोनिल ठीक है तो अभी तक एडिशन ऑफ कार्बोनिल ये सेम क्यों रहा हमें क्योंकि हमें यहाँ पर एल्काइल से असाइल ग्रुप बनाना है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सी एच ओ हमें एक सी डबल वन ओ जो ग्रुप है हमें वो चाहिए ठीक है इसलिए हमने यहाँ पे कार्बोनिल ऐड किया है कार्बोनिल ऐड हो गया ठीक है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था माइग्रेटरी इंजर्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ठीक है तो ये क्या आ गया एल्काइल मेटल आयन और एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन था इस बॉन्ड के बीच में एक कार्बोनिल जो है वो इंजर्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास फिर से क्या बन गया एसाइल कॉम्प्लेक्स बन गया ठीक है सेम इस साइकिल में भी ऐसे ही बना था इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा याद करो एडिशन ऑफ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो हमने कैसे ऐड करी थी ऑक्सीडेटिवली ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच हो गई ठीक है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड हाइड यहाँ पर हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड तो बिल्कुल सेम है दोनों साइकिल्स आप इसको लर्न कर सकते हैं इस तरह से दोनों में क्या डिफरेंस है एक एक तो कैटलिस्ट का डिफरेंस है दूसरा हमने देखा है कि जो रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट है उसको हम लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ऑपरेट कर सकते हैं एंड जो इसमें हमें एल्डिहाइड्स की रेशियो है स्ट्रेट चेन वर्सेस ब्रांच चेन ये हमें काफ़ी अच्छी मिलती है सिक्सटीन इज टू वन और इसमें हमें कितनी मिलती है वो थ्री इज टू वन ठीक है चलिए एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट में कि कौन सी हमने एल्किन ली थी एंड एल्डिहाइड कौन सा बना है एल्किन जो हमने ली है इसमें आर ग्रुप के अलावा दो कार्बन एटम्स हैं ठीक है ठीके? और एल्डिहाइड जो हमें मिला है लास्ट में प्रोडक्ट में इसमें भी एक आर ग्रुप है सेम जो आप यहाँ पे टू थ्री जो भी नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स ले रहे हैं हम इसमें काउंट नहीं करें तो इसके अलावा दो कार्बन आइटम्स और एल डी हाइड में वन टू थ्री थ्री कार्बन आइटम्स यही हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में डेफिनेशन में इनमें से भी कोई सा भी अगर कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं तो दोनों में ही क्या है जो एल डी हाइड मिलेगा वो विद वन मोर कार्बन आइटम मिलेगा ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग